प्रधानमंत्री जी ने कल बार बार एससी वोटर को फोकस किया है, एससी वोटर पे फोकस किया है। पिछले दिनों जब कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से दूर रही हैं, कांग्रेस के नेताओं से नाराज थी, तो अब उनके कद के अनुसार जो उन्हें टिकट के समर्थक थे उनको नहीं दिला पाई थी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी दूरी बनाई और इस दूरी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आस दिखाई थी कि बार दोनों पार्टियों का यही है आरक्षित सीटें हैं जी, उनमें से ज्यादा ज्यादा सीटें जीती जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ रहा है, उसी तरह सभी पार्टियां जो हैं वो अपने वोटर्स को, अपने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ रही है। इस बार बीजेपी ने जो कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरणों को शोधने की, उनको साधने की कोशिश की है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने कोशिश की और उसमें बहुत ज्यादा कहीं एक कामयाब नहीं हुए। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी की दो रैलियां हुई हरियाणा में और दोनों रैलियों में कहीं ना कहीं वो अनुसूचित जाति, दलितों की बात और ओबीसी की बात करते हुए नजर आए। ये जो जातीय समीकरण है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने सही और कितने स्टीक बैठेंगे, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो जातीय समीकरण है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह का जो आने वाला समय है वो लेकर आएंगे। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका। मेहरा साहब, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातीय समीकरणों पर खेलती हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों दो रैलियां अब तक हो चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और दोनों रैलियों में वो पूरे जोर शोर से जो है वो ओबीसी की बात करें या एससी की बात करें या हम जातीय समीकरणों की बात करें उस पर बात करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो एससी पे स्पेशल जोर देते हुए कहते हैं कि जब तक मैं हूं आरक्षण को कुछ नहीं हो सकता। वो सर छोटू राम की बात करते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो रैलियां हैं इसका एससी वोटर पर क्या फर्क पड़ेगा और जो प्रधानमंत्री जी की दो रैलियां हुई है। देखिए राजेंद्र जी, जैसे आपने शुरुआत की है कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग साधने पर लगी हुई है जी, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसी उद्देश्य से जो लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले थे और नायब सिंह सैनी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए थे जी, नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं और इसी मकसद से नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया ताकि ओबीसी वोट को साधा जा सके। ओबीसी के साथ साथ तब जो एससी की आपने बात की है, शेड्यूल कास्ट वोट की बात की है, दलित वोट की बात की है, प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी जो रैलियां हरियाणा में कर रहे हैं, दो रैली हो चुकी है, पहले कुरुक्षेत्र में हुई, कल जैसे गोहाना में थी जी। तो गोहाना में भी बड़ा जोर देकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों को और आगे बढ़ाया जाएगा, उनके जो कार्यक्रम है उनके उनके उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। और यहाँ तक के कहा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है उसको किसी भी प्रकार से खत्म नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी विपक्षी पार्टियां, उन पर यह आरोप लगाए कि जब अगर वो सत्ता में आ जाती हैं तो वो आरक्षण खत्म करेंगी। तो आरक्षण खत्म करने का सवाल बार बार उनके जहन में क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले जो लोकसभा चुनाव है जी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 400, अब की बार 400 पार का नारा दिया था। बिल्कुल ठीक है, उस नारे को विपक्षी पार्टियों ने दूसरी ओर लोगों में इंटरप्रेट किया। वो उन्होंने विपक्षी पार्टियों ने, कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस के लोगों ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 400 पार सीटें क्यों चाहिए, ताकि क्योंकि वो आरक्षण खत्म करेंगी, भारतीय संविधान को खत्म करेंगी। तो ये लोगों के समझ में आया और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टी जो इस बात को 400 पार के नारे को जो विपरीत जो उन्होंने एक नैरेटिव लोगों में लेके गए, वो लोगों को कहीं कहीं लोगों ने समझा, इसलिए लोकसभा में है ना चुनाव, लोकसभा के चुनाव में कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। और इसी से अलर्ट होकर अब बार बार भारतीय जनता पार्टी के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आरक्षण को किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा,
दूसरी ओर मैंने बताया कि विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो दूसरी पार्टियां विपक्षी पार्टियां अगर सत्ता में आती तो डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा। ये इस तरह की बातें वो बार बार SCBC का वोट साधने के लिए प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कर रहे हैं जी। और जैसे पहले 2019 के चुनाव में विधानसभा चुनाव जब हरियाणा में होते, हरियाणा में जो उन चुनाव में बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, अब की बार 75 पार, बाद में उन्होंने लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार, अभी दोनों नारे उन्होंने किसी तरह का कोई 400 पार का ना 75 पार का ना 70 पार का किसी तरह की बात नहीं वो कर रहे हैं, लेकिन अब की बार केवल और केवल कल भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, सिर्फ भाजपा सरकार बनाने की उन्होंने बात की, किसी तरह का कोई टारगेट उन्होंने नैरेटिव सेट करने की प्रयास नहीं किया, क्योंकि इस प्रयास से इस कोशिश से उन्होंने बार बार नुकसान हुआ है। और उनको ये भी लगने लगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें से 17 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, उन्होंने ये लगा कि ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटों को जीता जाए, और ऐसा सभी पार्टियों को लगने लगा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो उनका ये मानना है कि अब की बार हमारी सरकार, दोनों पार्टियां यही कह रही हैं, और अब की बार दोनों पार्टियों ने जो फोकस किया है ना वो जो आरक्षित सीटें हैं उन पे फोकस किया, उन पे उनका ये टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा आरक्षित सीटों पर विजय पाई जाए। प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई है दोनों, तो उसका क्या असर रहेगा इस बार, लगता है कि 80 वोटर पर उसका कोई असर पड़ सकता है? हाँ, 80 वोटर पर असर और बेअसर की जो प्रभाव है हुआ है कि नहीं हुआ है ये एक देखने वाली बात है। प्रधानमंत्री जी ने कल बार बार 80 वोटर को फोकस किया है, 80 वोटर पे फोकस किया है। पिछले दिनों जब कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से दूर रही हैं, कांग्रेस के चुनाव प्रचार से कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं से नाराज थी, उनको उनके कद के अनुसार जो है टिकट उनके जो समर्थक थे उनको नहीं दिला पाई थी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी दूरी बनाई है उन्होंने, और इस दूरी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आस दिखाई दी, एक उन्होंने आशा की किरण दिखाई दी कि 80 वोटर तुम्हारे साथ आ सकता है। उन्होंने बार बार ये कहा कि कांग्रेस ने सदैव डॉक्टर अम्बेडकर का जो सम्मान नहीं किया है, और अभी भी कांग्रेस पार्टी में जो दलित नेता है, चाहे कुमारी शैलजा की बात की हो चाहे दूसरे नेताओं की बात की हो, उन्होंने ये कहा जा रहा है कि दलित नेताओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, और उन्होंने काफी कोशिश की है दलित नेताओं को दलित वोटर को साधने की, लेकिन अभी तक मुझे लगता है दलित वोटर ने टस से मस होने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा। अभी प्रधानमंत्री जी फिर आएंगे और कांग्रेस पार्टी के नेता भी आएंगे, क्या देखने वाली बात है कि किससे प्रभावित। हाँ, अभी लगभग एक सप्ताह पड़ा है अभी प्रचार के लिए, हमने पहले भी एक दिन बात की थी दलित जो आरक्षित सीटें हैं उन पे बात की थी, हमने एक लबो निकल के आया था कि लगभग 11 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो हैवी है, 3 सीटों पर ट्राइंगल फाइट हो रखी है और 3 सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी रणनीति अभी तय कर रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि दलित वोटों को ज्यादा जाए, और हो सकता है आने वाले दिनों में समीकरण बदल भी जाए, ज्यादा ही नहीं जाए ज्यादा ज्यादा डाइवर्ट किया जाए, डाइवर्ट करने की भी उनको कोशिश है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, क्योंकि उन्होंने तो इस बार पूरी जो फोकस है इसी चीज पर है उनका। मुझे एक चीज और बताइएगा, आपकी ऐसी वोट को ही साधने की कोशिश क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं अगर इस बार के चुनाव में की का जो माहौल देखा जाए तो हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी सोशल इंजीनियरिंग पे काम कर रही है, वो जाट और SC वोट और सिख वोट और मुस्लिम वोट और अन्य जो दूसरी बड़ी जातियां हैं उनमें भी सेंध लगाने का काम कर रही है। दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी ने मुद्दों की बात की थी राजनीति इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं पीछे हटते जा रहे हैं,
सिर्फ और सिर्फ दोनों पार्टियों का ध्यान सोशल इंजीनियरिंग पर टिका है। सोशल इंजीनियरिंग में जैसे हरियाणा का जो समीकरण है, हरियाणा का जो वोट परसेंटेज है, तो उसमें ज्यादातर जो वोट पर आए हैं वो जाट समुदाय ज्यादा होल्ड करता है। कम से कम 40-42 सीटों पर जाट जो वोटर हैं वो काफी निर्णायक है, और जाट का वोटर है 22%। 22% अगर सिख वोट और उसमें मिला दिया जाता तो जाट सिख की बात करें हम, जाट सिख भी ऑलमोस्ट जाट सिख और जाट की जो एक विचारधारा वो तकरीबन साथ साथ किसानी समुदाय से आते हैं दोनों ही, दोनों ही जातियां, तो इसलिए 26% मान के चलते हैं हम सिख समुदाय की और जाट समुदाय की। कहीं ना कहीं ज्यादा यही लोग हैं 26% अगर हम बात करते हैं तो इनका जो ज्यादा रुझान अब की बार है ना कांग्रेस पार्टी की तरफ, क्योंकि किसानी आंदोलन पिछले दिनों हुआ था और उस आंदोलन से ज्यादा लोग है ना भारतीय जनता पार्टी से कहीं कहीं लगता है मुझे दूर हुए। दूसरी ओर 25% के आसपास है जो पंजाबी समुदाय के वोटर है वो है जो राजपूत है, ब्राह्मण है और वैश्य समुदाय के लोग का वोटर है, 25 और 26% के बीच में वो है, उन पे ज्यादातर ध्यान जो टिकाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने टिकाया हुआ है उसको कहीं ना कहीं इस जो समुदाय के वोटर को भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस साधने की कोशिश पूरा करेगी। ओबीसी वोटर है, ओबीसी 23 और 24% के बीच में ओबीसी वोटर हरियाणा में है और मैक्सिमम जो दावा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया एक चेहरा है, उनको बार बार जनसभाओं में भी जो स्टार प्रचारक है उनके ये क्या ओबीसी की तरफदारी की ओबीसी के पक्ष की जो स्टेटमेंट वो दी जा रही है, इसीलिए लगता है कि कहीं कहीं उनका ज्यादा ध्यान ओबीसी की तरफ है। बाकी दलित समुदाय की अगर बात करें तो दलित समुदाय जो परंपरागत जो वोटर रहा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है जी। पिछले दिनों दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया था, लेकिन अब की बार कहीं कहीं जब पिछले चुनाव में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टी ने प्रचार किया कि आरक्षण खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी दूसरी आ गई तीसरी बार अगर आ गई तो कहीं कहीं लोगों को ये बातें समझ में आई, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब की बार दलित वोटर है ना जो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव उनका है और उसी दलित वोटर में सेंध लगाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम वोटर है वो 6-7% के बीच में 6% के आसपास मुस्लिम समुदाय का वोटर माना जाता है, तो इसलिए दोनों पार्टियां है ना कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग इसलिए बना कर रही हैं कि वो कहीं इस चुनाव में जीत पाए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कहीं कहीं विकास का नैरेटिव न बढ़ पाए। कांग्रेस पार्टी बार बार विकास की बात कर रही है, बार बार उनकी जो योजनाएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं को नकार रही हैं, तो उसने उनके पिछले 10 साल के काम जो उन्होंने वादे किए थे, जो उनका एंटी करेंसी को कैश करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कोशिश है कि इसको जातीय समीकरणों की तरफ लेके जाया जाए, तो ये कोशिश है। हमने पहले बताया भी है कि अब की बार दोनों पार्टियों का यही है आरक्षित सीटें हैं जी, उनमें से ज्यादा सीटें जीती जाए। आज जो आरक्षित सीटों की हम बात करें तो कम से कम एक दर्जन सीटें ऐसी हैं जिसपे कांग्रेस पार्टी का ज्यादा जी मैं वही आ रहा था कि हाँ अभी भारत में अगर हरियाणा की बात करें, देखिए पूरे भारत की बात करें तो जहां भी कहीं चुनाव होते हैं तो जातीय समीकरण बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन अगर हरियाणा की विधानसभा चुनाव की बात करूं इस बार की, तो कितने प्रतिशत वोटों पर एससी जो वोटर है उसका दबदबा है, उसका जोर है और जो है इसका जो परसेंटेज है वोट परसेंटेज है वो कितना हो सकता है? हाँ, वोट परसेंटेज की हमने बात की, वो 21% के आसपास एससी वोटर हैं और 17 सीटें तो उनकी रिजर्व हैं, आरक्षित सीटें हैं जी, बिल्कुल कास्ट के लिए। उसके अलावा जो 40 से 50 सीटें हैं डिसाइडिंग जो वोट होगा वो शेड्यूल कास्ट का वोट होगा, उन्हीं पे ज्यादा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी को अभी तक ये लगने लगा है कि ऐसी वोटर ज्यादा ज्यादा कहीं कहीं उनसे खिसका है, उन्हीं को साधने के लिए उनकी अपनी पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार कवायद है
और अगर चुनाव के आखिरी दिन तो अगर वो एससी वोटर को साथ पाई तो निश्चित रूप से एससी वोटर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भारी होगा, पलड़ा भारी होगा, दूसरी पार्टियों का पलड़ा कहीं कहीं कमजोर होगा। अब बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का आरक्षित सीटों पर प्रभाव है, बढ़ चुका है और वो कहीं कहीं भारी है, लेकिन आज की स्थिति जो मुझे लगता है कि हम जो धरातल से फीडबैक लेते हैं पत्रकारों से और लोग आम आदमियों से बात करते हैं तो उनमें ऐसा लगा कि 12 सीटों पर अभी कांग्रेस पार्टी आरक्षित सीटें जो 12 हैं उन पर कहीं कहीं उनका ज्यादा प्रभाव बढ़ चुका है और कोई इनकी जीत की स्थिति में शायद हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो जो उनका अपना एक पारंपरिक वोट था, जो उनका कांग्रेस का जो वोट, वो फिर से उनकी तरफ कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जो धरातल से नीचे से फीडबैक आ रहा है कि कहीं कहीं ये लोगों के लोकसभा चुनाव में भी ये लोगों को जो आरक्षण खत्म करने का जो बात है वो कहीं कहीं जो विपक्षी पार्टियां उनको समझाने में शायद कामयाब रही हैं। और अभी जैसे 17 सीटों में से हम 11-12 जो सीटें हम बता रहे हैं उनकी बात करें तो उनमें काफी सी मैं उनका भी शायद मेरे पास एक एक विश्लेषण आपके पास आकलन है शायद उन पार्टी उन जो सीटें जो मैं बताने जा रहा हूँ उनमें कहीं कांग्रेस पार्टी आगे निकल चुकी है। आगे मौलाना सीट है अंबाला में, यमुनानगर में सढ़ोरा है, कुरुक्षेत्र में शाहबाद में टक्कर है, कैथल में घूला है और पानीपत में इसराणा है, सिरसा में कालावाली सीट है, फतेहाबाद में रतिया सीट है, हिसार में उकलाणा है और झज्जर में झज्जर सीट ही है, रेवाड़ी में बावल है, गुड़गांव में पटौदी है, पलवल में होडल है, रोहतक में कलानौर है और सोनीपत में खरखोदा है। तो ये 15-16 सीटें हैं जो 12 जो सीटें के आसपास बनती है लेकिन कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है और कांग्रेस इनमें बाजी मारेगी। बाकी जो 40 सीटों पर जो शेड्यूल कास्ट का एक निर्णायक वोट है कह सकते हैं उनको, उन पे देखने वाली बात है कि किनका ज्यादा किनकी और किस पार्टी बात वो लोग समझ पाते हैं। हालांकि अगर भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने में कामयाब रहती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा, अगर कांग्रेस उनको अपनी बात समझाने में सफल होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ वो लोग जाएंगे। लेकिन अभी जैसे इन जो आंकलन से पता चलता है कि जो आरक्षित सीटें हैं उसमें कहीं भी कांग्रेस एज है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो अपना उसका वोटर है एससी वोटर उसको साधने की उसकी जो कोशिश है उसमें कामयाब होती नजर आ रही है। हालांकि अभी एक सप्ताह के करीब प्रचार का पड़ा है, इस प्रचार के दौरान किस तरह के हालात बनते हैं क्या होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप चुनाव की बाकी अपडेट देखने के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। आपका अगर कोई सुझाव है, आप अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, आपके हर सुझाव का हम यहां वेलकम है, स्वागत है। और नई चुनाव की अपडेट के लिए देखते रहें अर्थप्रकाश टीवी। मेरा साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद राजेंद्र जी, थैंक यू।